मैं मित्रों शिवराज जी को यहां पर बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं। 11,700 से 1,40,000 तक प्रति व्यक्ति आय पहुंचाना सारे पैमानों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला विकास है। मोदी जी और शिवराज जी की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को यहां तक पहुंचा है। एमएसएमई जो रोजगारी के लिए महत्वपूर्ण है, सालाना रजिस्ट्रेशन उस वक्त 4,297 उद्योगों का होता था और अब 3,61,545 उद्योगों का रजिस्ट्रेशन होता है। सड़क निर्माण, पहले तो सड़क जो निर्मित हुई थी वो भी सड़क में गड्ढा था या गड्ढे में सड़क थी मालूम नहीं पड़ता। मैं कई बार दाहोद के रास्ते से महाकाल के दर्शन करने आया था, गहरी नींद में दाहोद तक सोते थे, जैसे ही एमपी शुरू होता था गाड़ी गड्ढे में गिरते ही नींद उड़ जाती थी। मगर ऐसी भी 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, इसकी जगह अब 5,10,000 किलोमीटर सड़कें ग्रामीण सड़कों को मिलाकर यहां बनाई दी गई है। 8 गुना से ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4800 किलोमीटर से बढ़कर 13,000 किलोमीटर हुआ है, करीब करीब 3 गुना बढ़ा है। कृषि विकास दर 6.5 गुना बढ़ी है। एमएसपी पर गेहूं की खरीदी, जो लोग एमएसपी के लिए चिल्लाते हैं और अभी तो मुझे आश्चर्य है जिन्होंने कभी भी हाथ में हल नहीं पकड़ा, वो कमलनाथ जी एमएसपी की बात कर रहे थे। मैं कमलनाथ जी को बताना चाहता हूं कि एमएसपी पर गेहूं की खरीदी जब बंटाधार छोड़ कर गए तब 4,38,000 टन थी, सिर्फ गेहूं की खरीदी में कहता हूं 4,38,000 टन, आज वो 70,96,000 मैट्रिक टन पहुंची है। क्या गुमराह कर रहे हैं आप किसानों को? धान की खरीदी 0.95 लाख मतलब 95,000 मैट्रिक टन थी और आज धान की खरीदी 46,30,000 मैट्रिक टन तक पहुंची है। इसका जवाब बंटाधार और कमलनाथ की जोड़ी ने देना चाहिए। राशन के लाभार्थी परिवार अब 52 लाख छोड़ कर गए थे, राशन आपके चट्टे बट्टे ही खा जाते थे, मगर अब थंब इंप्रेशन के साथ पारदर्शिता से राशन 52 लाख की जगह 1,25,00,000 परिवारों को राशन पहुंच रहा है। मेडिकल की सीटें अब 620 छोड़ कर गए थे, अब 4,000 से ज्यादा बन चुकी है। एकलव्य आदर्श विद्यालय जो आदिवासी बच्चों के रेसिडेंस स्कूल का कंसेप्ट है, एक भी नहीं बना अपने 53 साल में, हमारे समय में 63 बन चुके हैं। आईआईटी की संख्या 159 छोड़कर गए थे, आज 1,014 है। और पर्यटकों की संख्या, क्योंकि रोड भी अच्छे हुए हैं, पर्यटन स्थानों का भी विकास हुआ है, 64 लाख तक थी, अब ये 9 करोड़ को क्रॉस कर गई है। मैं स्पष्टता से आज कांग्रेस के नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं, इधर उधर गलत आरोप मढ़कर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए, और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक जीवन में एक परंपरा खड़ी करी, हमने राजनीति के अंदर जवाबदेही की परंपरा तय की। जहां जहां हमारी सरकार है 5 साल के बाद चुनाव में जाते हैं तो हमने क्या करा है इसका हिसाब लेकर जाते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने तो ठीक किया ही। कांग्रेस के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश को कितना अन्याय किया इसका भी हिसाब दीजिए आप। मध्य प्रदेश में सालों तक ऊपर भी कांग्रेस की सरकार रही, नीचे भी कांग्रेस की सरकार रही, क्या दिया मध्य प्रदेश को? आंकड़े देकर 9 करोड़ की जनता के सामने आइए आप। आप नहीं आएंगे मुझे मालूम है, इसलिए मैं आंकड़े देना चाहता हूं। मित्रों 2004 से 14 में बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, जब सोनिया मनमोहन सरकार थी, 10 साल मध्य प्रदेश में उनकी सरकार चली, मध्य प्रदेश को 1,98,000 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 1,98,000 करोड़ रुपया 10 साल में। और मोदी जी की सरकार 9 साल 2014 से 23 का 8,33,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम मध्य प्रदेश को दिया है। और मैं तो ये डेवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड की ही बात करता हूं,
विकास की अनेक परियोजनाएं जो आई हैं, जो और लाखों करोड़ का हिसाब है, हर गरीब के घर में लाभ पहुंचे हैं, जिसका हिसाब भी लाखों करोड़ का होने जा रहे हैं, इसकी बात नहीं करता मैं। डिवोल्यूशन फंड और ग्रांटिंग एड की ही बात कर रहा हूं। और मेरा फिर से एक बार आग्रह है, और पत्रकार मित्रों से भी आग्रह है, हमसे जो नाराजगी हो, मगर एक सवाल तो बंटा धार और कमलनाथ को पूछने का बनता है कि भाई इसका रिपोर्ट कार्ड जरा आप पेश करिए, आपका हिसाब पेश करिए। मित्रों, किसान सम्मान निधि 91 लाख किसानों को फायदा मिलता है, 19,000 करोड़ का फायदा अब तक पहुंच चुका है। ये मोदी जी ने जो सारी योजनाएं बनाई है, नीचे तक डबल इंजन की सरकार ने पहुंचाई, और मोदी जी ने भी योजनाएं बनाने में भी कमी नहीं छोड़ी, और योजनाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की कटौती नहीं रखी, लक्ष्यांक नहीं रखा है। संपूर्ण सैचुरेशन ही मोदी सरकार का लक्ष्यांक है। पहले क्या आता था, टुकड़े टुकड़ों में विकास होता था, भाई 25,000 शौचालय बनाने हैं, अब आता है कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, 10,000 घरों में बिजली पहुंचानी है, अब मोदी जी कहते हैं हर घर में बिजली होनी चाहिए, हर गरीब को घर मिलना चाहिए, हर गरीब के घर में पीने का पानी मिलना चाहिए, हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचना चाहिए। संपूर्ण सैचुरेशन की दिशा में गरीब कल्याण का कंसेप्ट स्वतंत्र भारत में अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इसीलिए मोदी जी को बार बार जनादेश प्राप्त होता है। फसल बीमा 25,000 करोड़ का फायदा मिला है, जल जीवन मिशन 1.2 करोड़ घर और 60 लाख कनेक्शन अब तक पहुंच चुके हैं, आयुष्मान भारत योजना लगभग 3.6 करोड़ लाभार्थी हैं, इसमें से 30 लाख लाभार्थियों ने अपने ऑपरेशन करा चुके हैं, लगभग 80 लाख शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। अन्न योजना लगभग 1.2 करोड़ कार्ड में 5.1 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जा रहा है, लगभग 10,87,000 गैस के सिलेंडर बांटे हैं, जिसमें से 1,20,000 एससी और एसटी है। प्रधानमंत्री आवास योजना 42 लाख लोगों को घर दिया गया है, संस्थाएं भी दी है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था IIIT, राष्ट्रीय डिजाइन संस्था NID भी देने का काम किया है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में 4,000 किलोमीटर के नए राजमार्ग दिए हैं जो कांग्रेस के कुल शासन से ज्यादा हैं, लगभग 5400 अरब रुपये से तैयार होने वाली दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, इसमें इंदौर शहर को शामिल किया गया है, 31,000 करोड़ की लागत से 906 किलोमीटर लंबा नर्मदा एक्सप्रेसवे इसका विचार किया है, 5,000 करोड़ की लागत से 300 किलोमीटर की भारत माला परियोजना को हम आगे लेकर आए हैं, और सिर्फ पांच वित्तीय वर्षों में हमने 72,000 किलोमीटर सड़कों की लंबाई को बढ़ाने का काम। मित्रों, ये जो विकास के पैरामीटर्स है, उसका जवाब मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता ने श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ के सामने मांगा। इधर इधर की बात मत करिए भाई, मध्य प्रदेश का काफिला क्यों लूटा था इसका जवाब दीजिए, और आपके समय में लूटा है। रेलवे में 12,000 करोड़ रुपया की लागत से 11 कॉरिडोर और कई सारे 35 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों की विकास की बात की है, 3 एयरपोर्ट, ग्वालियर हवाई अड्डा 500 करोड़ की लागत से, रीवा हवाई अड्डा 2023 तक चालू हो जाएगा अंत के पहले, और 412 करोड़ की लागत से जबलपुर के हवाई अड्डे का भी टर्मिनल बन रहा है, लगभग 4190 करोड़ से ग्रीन फील्ड SEZ पीथमपुर में लगाया जा रहा है, 3,000 करोड़ से 600 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन वाला सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट खंडवा में स्थापित होगा, 2400 करोड़ से पूरे देश को गौरव हो ऐसा आदि शंकर का अद्वैत स्मारक बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है,